दिव्यांग मानसी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान है। इंडिया न्यूज मानसी की आवाज बना तो सरकार ने भी मानसी के मन की बात सुनी। मानसी का स्पेशल स्कूल में एडमिशन हो गया है, अब वो भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई कर सकेगी। इस खबर को बताते हुए मानसी के बुजुर्ग पिता की आंखें भर आईं। की आशा खिल भी गई और उम्मीद भी पूरी हो गई। उम्मीद हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। मानसी के मन की बात सरकार ने सुनी और अब उसका सपना सच हो गया। तूफानों को चीर सपना एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना, पढ़ने का और लिखने का। इंडिया न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। मुरादाबाद की रहने वाली दिव्यांग मानसी को लखनऊ के स्पेशल स्कूल में एडमिशन मिल गया है। मंगलवार को ही इंडिया न्यूज ने आपको मुरादाबाद की रहने वाली मानसी की दास्तां बताई थी। मानसिक रूप से दिव्यांग और बोलने में असहज मानसी की आशा थी कि उसे स्कूल में एडमिशन मिले और वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए। लेकिन मुफलिसी में जी रहे बुजुर्ग पिता स्कूलों की भारी भरकम फीस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इंडिया न्यूज ने मानसी को उसका हक दिलाने का बीड़ा उठाया। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के आधे घंटे बाद ही यूपी सरकार में मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने ऐलान कर दिया था कि मानसी की मदद की जाएगी और महज 48 घंटे में ही योगी सरकार ने मानसी के मन की बात सुन ली। मानसी को लखनऊ के ममता दिव्यांग स्कूल में एडमिशन मिल गया। यहाँ बढ़िया रही, अच्छा सुविधा भी यहाँ अच्छी है, व्यवस्था पूरी अच्छी है। यहाँ पे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। यहाँ इन्होंने सब फॉर्म वगैरह मैंने सब भर दिए हैं, जो औपचारिकता है वो सब कर दी है पूरी। अब मैं क्योंकि इस बच्चे के कपड़े वपड़े नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ वापस। और मैंने लिख के दे दिया है कि मैं 15 तारीख को सुबह को यहाँ पर इसको बच्चे को छोड़ जाऊंगा। सालों से दर दर भटक रहे मानसी के पिता विपिन त्यागी अब खुश हैं। उनकी बेटी 15 जुलाई से अब स्कूल जाने लगी थी। उसे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। बेटी को एडमिशन मिलने के बाद मानसी के पिता भावुक हो गए और खुशी उनके आंखों से झलक पड़ी। इंडिया न्यूज को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, धन्यवाद इंडिया न्यूज का, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी मदद की और मेरी सहायता की, नहीं तो ईश्वर जाने क्या होता। बिल्कुल, मैं यहाँ पर क्या, मैं तो 85 स्कूलों में गया हूँ और किसी ने प्रवेश नहीं दिया। कहीं पैसे मांगते हैं और हर जगह पैसे ही मांगते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक रुपया नहीं जाएगा। अब मेरा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि मैं बुजुर्ग 62 साल की मेरी उम्र हो रही है। मैं कमाने धमाने लायक नहीं हूँ। मुझे ऐसी ही संस्था की तलाश थी और जो मुझे मेरे भाग्य से मिल गई है। मानसी को स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद जहाँ एक ओर पिता खुश है तो वहीं दूसरी ओर मानसी की उम्मीदों को पंख लग गए। हम तो यही आशा करेंगे कि मानसी जैसे दूसरे बच्चों का भी स्कूल जाने का सपना साकार और सरकार इसे लेकर खुद पहल करे। मुरादाबाद से शहनवाज इलियास और लखनऊ से विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।